हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं बताऊंगा नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सीरीज मेरे ऐप्स में अवेलेबल है। आप मेरे ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना पड़ेगा एमए क्लासेस, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है एमए क्लासेज, उसी नाम को आप सर्च कीजिएगा तो आपको प्ले स्टोर में वो मिल जाएगा ऐप्स। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप्स में मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का कोर्स बनाया हुआ है और प्रत्येक कोर्स में जो सिलेबस मेंशन किया गया है उस सिलेबस का सारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही सारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। साथ में आपको वहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल और मैं कुछ टॉपिक्स का ऑनलाइन टेस्ट भी वहाँ पर अवेलेबल करवाया हूँ, तो आप उस ऑनलाइन टेस्ट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उस ऐप्स का एक स्पेशल फीचर है कि आपको कुछ भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक पर तो आप चैटिंग के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट को जो है वो क्लियर करवाऊंगा। तो आप उस ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें और घर बैठे आप मैथमेटिक्स को सीखें, मैथमेटिक्स को पढ़ें बिल्कुल क्लासरूम जैसा। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम है क्या? नेसेसरी कंडीशन फॉर W इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू रिप्रेजेंट ये कन्फॉर्मल मैपिंग। ये जो फंक्शन है वो कोई कन्फॉर्मल मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका क्या नेसेसरी कंडीशन होगा। सफिशेंट कंडीशन के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ सफिशेंट कंडीशन को। सफिशेंट कंडीशन में क्या था कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो नहीं है, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन है तो ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और कहीं पर भी इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए अपने डोमेन में, तब वो मैपिंग क्या होता था? कन्फॉर्मल मैपिंग होता था। यहाँ जस्ट उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि उसमें एनालिटिक दिया हुआ था, प्रूफ करना था कन्फॉर्मल। यहाँ दिया हुआ है कन्फॉर्मल, ये मैपिंग जो है वो कन्फॉर्मल दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये एनालिटिक होगा। यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या लिख रहा है कि इफ द मैपिंग W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज कन्फॉर्मल देन द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। ये फंक्शन जो है वो कन्फॉर्मल दिया हुआ है तो हम लोग को दिखाना है कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा जेड का। तो एनालिटिक दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे? कुची रीमान इक्वेशन दिखा देते हैं कि ये एफ जेड जो है एफ ऑफ जेड कुची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये तो एनालिटिक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिक दिखाना है तो हम लोग दिखा देंगे कि कुची रीमान इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है तो एनालिटिक हो जाएगा। तो अब चलिए देखिए इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड, वो तो एफ ऑफ जेड फंक्शन यू प्लस आई वी के फॉर्म में लिखते हैं। यू तो शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है, यू जो होता है वो एक्स कॉमा वाई का फंक्शन, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होता है। वी भी जो होता है वो एक्स और वाई का फंक्शन होता है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई इंटू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। उसी को शॉर्ट में हम लोग एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी लिख सकते हैं। यू का मतलब क्या हुआ ये वाला, यू का मतलब हो गया यू ऑफ एक्स कॉमा वाई और v का मतलब ये वाला हो गया तो v इक्वल टू v ऑफ x कॉमा वाई। तो यहाँ पर सो दैट u लिख दिए और v लिख दिए। अब देखिए आगे, लेट ds एंड d सिग्मा डिनोट द एलिमेंट्री आर्क लेंथ्स इन द z प्लेन एंड w प्लेन रिस्पेक्टिवली। अब ये जब ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होता है इसमें, इसमें एक्स वाई प्लेन यानी कि जेड प्लेन जो होता है, जेड प्लेन का पॉइंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है डब्ल्यू प्लेन पर, यू भी प्लेन भी कहते हैं इसको। तो जेड प्लेन का प्रत्येक पॉइंट ट्रांसफॉर्म होगा डब्ल्यू प्लेन पर, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मान लीजिए ये पॉइंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस पॉइंट पर पी डैश पर, इस पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और पी डैश का कोऑर्डिनेट है यू भी, ये एक्स वाई ट्रांसफॉर्म हो गया यू भी में। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक पी पॉइंट से पास करते हुए एक कर्व लेते हैं तो इस कर्व का भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस कर्व का ट्रांसफॉर्म्ड कर्व जो है वो मान लेते हैं कि ये कर्व मिला। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एलिमेंट्री लेंथ लेते हैं, इस कर्व का एक एलिमेंट्री आर्क का लेंथ ले रहे हैं। तो एलिमेंट्री आर्क का मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल आर्क। यहाँ पर फिगर में तो मैं बहुत लंबा दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा आर्क दिखा रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी छोटा होगा जिसको हम लोग डी एस से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क का लेंथ है वो डी एस से, और इसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो आर्क मिलेगा उसको हम लोग डी सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि डी एस और डी सिग्मा डिनोट द एलिमेंट्री आर्क लेंथ्स इन द जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन रिस्पेक्टिवली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, ये P पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और Q पॉइंट से Y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लेंथ को हम लोग dx मान लेते हैं और इस लेंथ को dy। ये dx क्यों, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, इस डायरेक्शन में हम लोग x कोऑर्डिनेट मेजर करते हैं,
तो ये एलिमेंट्री लेंथ होगा, ये काफ़ी छोटा होगा, तो छोटा होगा तो इसको हम लोग dx लिख रहे हैं। ये y एक कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, dy। इसी तरीके से यहाँ पर ये u एक्सिस है और v एक्सिस होता है, तो इसको हम लोग du मान लिए और इसको मान लेते हैं हम लोग dv। एक्चुअली ये काफ़ी छोटा होता है, ये बहुत बड़ा नहीं ले रहे हैं, ये काफ़ी छोटा होता है, तो काफ़ी छोटा होता है तो आर्क जो होता है वो कोड के इक्वालेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मान लेते हैं ये ऐसा है, अभी कोई भी आर्क जो है वो इस तरीके का आर्क है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा ये आर्क है तो यहाँ P लेते हैं और यहाँ Q लेते हैं, ये डिस्टेंस PQ हुआ और ये कोड हुआ, दोनों में अभी तो थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, लंबाई में कुछ तो अंतर आएगा, लेकिन अगर Q हम लोग काफ़ी नज़दीक रखेंगे यहाँ पर तो जो कोड बनेगा ये PQ आर्क बन रहा है और कोड लगभग क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो कोड आएगा ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, तो कोड DS हो गया और ये हो गया DX और ये हो गया DY। तो ds स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर लिख सकते हैं, ds स्क्वायर को ये जो डिस्टेंस है वो ds स्क्वायर हो जाएगा, ds स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस ds होगा और ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर d सिग्मा जो है, d सिग्मा ये वाला लेंथ बताएगा, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये जो लेंथ है वो d सिग्मा बता रहा है, एक्चुअली है आर्क लेंथ लेकिन आर्क और कोड दोनों लगभग बराबर होगा, ये काफ़ी छोटा रखेंगे तब, तो d सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ, d सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, नंबर वन और नंबर टू इक्वेशन को कर दे रहा हूँ। अब चलिए आगे देखिए, u जो है वो u क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, देख रहे हैं यहाँ पर u इक्वल टू ये u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो डी यू को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल डी यू, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़े ही होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि भी जो है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो डी वी कैसे निकाल सकते हैं, डी वी इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई, अब दोनों का स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देते हैं, डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, डी यू स्क्वायर का मतलब हो गया इसका स्क्वायर, देखिए डी यू जो है वो एक्चुअली डी यू पूरे का होल स्क्वायर होता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में डी यू स्क्वायर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि यू स्क्वायर का डिफरेंशियल है, ये यू के डिफरेंशियल का स्क्वायर है, यू का जो डिफरेंशियल होगा उसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा जाता है डी यू स्क्वायर, तो डी यू स्क्वायर का प्लस डी वी स्क्वायर मतलब डी यू स्क्वायर का वैल्यू इसका हॉल स्क्वायर कर दीजिए और डी वी स्क्वायर मतलब इसका हॉल स्क्वायर कर दीजिए, अब ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड कर देंगे और इसको भी ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे, तो देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो पहले इसका स्क्वायर में डी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो दोनों से डी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, फिर टू ए बी करेंगे तो टू ए बी करेंगे तो टू डी एक्स डी वाई इसमें भी आएगा और टू डी एक्स डी वाई इसमें भी आएगा, तो टू डी एक्स डी वाई हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, जब 2ab करेंगे तो ये और ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई, यहाँ पर भी 2ab करेंगे तो डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स और डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई, 2dxy तो कॉमन ले चुके हैं, अब फिर b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यहाँ पर भी होगा और इसका भी स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो dy स्क्वायर जो है वो दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से ये क्या निकल गया, ये निकल रहा है डी सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू। अब डी सिग्मा स्क्वायर रहने देते हैं, इस पूरे को हम लोग ई मान लेते हैं, ई और ये डी एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, ये टू भी रहने देते हैं और इस पूरे को हम लोग कैपिटल एफ मान लेते हैं इंटू डी एक्स इंटू डी वाई और ये पूरे को हम लोग कैपिटल जी मान लेते हैं इंटू डी वाई स्क्वायर। तो देखिए ई किसको माने, कैपिटल ई जो है वो इसको माने हुए हैं तो कैपिटल ई का वैल्यू वही लिख दिए हैं, फिर कैपिटल एफ जो है वो इसको सपोज किए हुए हैं तो कैपिटल एफ का वैल्यू लिख दिए, फिर जी जो है वो इसको सपोज किए हुए हैं तो जी का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए, तो किसको किसको ई एफ जी माने थे वो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए ये जो मैपिंग जो दिया हुआ है वो कन्फॉर्मल मैपिंग दिया हुआ है, अगर कन्फॉर्मल मैपिंग है तो ये जो लेंथ है डी एस और डी सिग्मा ये दोनों का जब रेशियो निकालेंगे डी एस और डी सिग्मा का रेशियो निकालेंगे तो वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, कन्फॉर्मल है, चूँकि कन्फॉर्मल है तो कन्फॉर्मल में क्या होता है कि एंगल जो होता है
वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। यानी कि यहाँ पर अगर दो कर्व लेते हैं, एक कर्व ये लिए हुए हैं, एक और कर्व ले ले, यहाँ पर भी ये इस कर्व का ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और दूसरा कर्व जो लेंगे यहाँ पर वो दूसरे कर्व पर ट्रांसफॉर्म होगा, तो दोनों कर्व के बीच यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, दोनों का एंगल मैग्नीट्यूड में भी और सेंस में भी, मतलब डायरेक्शन में भी सेम होता है। तो ये जो ds और d सिग्मा का जो रेशियो आएगा, वो रेशियो निश्चित रूप से क्या होगा, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी प्रिजर्व होता है और मैग्नीट्यूड भी प्रिजर्व होता है। तो ds डिवाइडेड बाय d सिग्मा इंडिपेंडेंट होगा, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा एक्स वाई जो पॉइंट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, मैं अभी एक एग्जाम्पल से भी बता दूंगा इसको। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि चूंकि ds यहाँ पर d बट द मैपिंग इज कन्फॉर्मल, मैपिंग जो है वो कन्फॉर्मल है, हेंस d सिग्मा इज टू ds, ये दोनों का जो रेशियो है, एंड जब ये रेशियो इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन पर, तो इसका स्क्वायर करके जो रेशियो आएगा, एंड कंजिक्वेंटली d सिग्मा स्क्वायर इज टू ds स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जब डायरेक्शन पर नहीं डिपेंड करेगा, तो d सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ds स्क्वायर जो भी आएगा उसको हम लोग मान लेते हैं h स्क्वायर। अब h जो है वो एक्स वाई का फंक्शन होगा, वेयर h डिपेंड्स ऑन x एंड y ओनली एंड इज नॉट जीरो, ये जीरो भी नहीं आएगा, सिर्फ x और y का ही फंक्शन आएगा। कैसे आएगा, ये सारा जो चीज़ लिखा हूँ मैं उसको एक एग्जाम्पल से समझिए, तब क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज़ मैं लिखा हूँ कि d सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ds स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर मान रहे हैं, h है यहाँ पर एक्स वाई का फंक्शन, नॉट जीरो है, तो कैसे ये पॉसिबल है, एक एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए उस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं w इक्वल टू f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर, ये कन्फॉर्मल मैपिंग होता है, f z इक्वल टू z स्क्वायर एक कन्फॉर्मल मैपिंग होता है। कन्फॉर्मल क्यों होगा, क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये कन्फॉर्मल हो जाएगा ओरिजिन को छोड़ करके, z नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि z पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश z अगर निकालते हैं जीरो पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, f डैश z बराबर 2z, और z इक्वल टू जीरो अगर पुट कर देते हैं तो z इक्वल टू जीरो में ये फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सफिशियंट कंडीशन में पढ़ चुके हैं, नॉट इक्वल टू जीरो रहे तब कन्फॉर्मल होता है। तो ओरिजिन को छोड़ करके बाकी सभी जगह जो है ये कन्फॉर्मल मैपिंग है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में समझिए, z का वैल्यू पुट कर देते हैं, z का वैल्यू x प्लस आई वाई यही लिखते हैं, और इसका होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें, f ऑफ z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस आई भी लिखते हैं, और इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो माइनस y स्क्वायर, और प्लस 2x इंटू आई वाई, आई को पहले लिखते हैं और फिर x इंटू वाई, तो u का वैल्यू क्या हो गया, u का वैल्यू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया। एंड यहाँ पर दोनों को इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वेट कीजिएगा तो भी इक्वल टू हो जाएगा 2xy। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते क्या हैं, इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, du निकालते हैं। कैसे निकलता है डिफरेंशियल, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dy से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर dv का निकालते हैं, तो dv इक्वल टू क्या है, dv इक्वल टू 2 को आप बाहर में रहने दीजिए और u इंटू वी में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y इंटू x का 1 dx प्लस x इंटू y का 1 dy। अब 2 को आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो अब क्या करते हैं, d सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं, d सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या था, डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर हम लोग माने थे ना, यहाँ पर d सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर लिखे थे। अब डी यू स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करना है, तो 2x माइनस 2y डी वाई का होल स्क्वायर, और डी वी स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर करना है, तो 2y dx प्लस 2x dy का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर छूट गया, dx छूटा हुआ है, यहाँ पर 2x और dx भी होगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो 4x स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2 × 4 × 8 xy dx dy, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y² dy² यहाँ पर भी होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो 4y² dx²
प्लस फोर सॉरी एट हो जाएगा, टू ए बी करेंगे तो एट एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स फोर एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। देखिए प्लस एट एक्स वाई डी एक्स, एट एक्स वाई डी एक्स डी वाई से ये माइनस एट एक्स वाई डी एक्स डी वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फोर कॉमन ले लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से भी, और आप यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये दोनों से भी आप कॉमन ले लीजिए, फोर कॉमन ले लेते हैं और डी वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या यहाँ पर आ रहा है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले मैं लिखा हूँ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर को, यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एस स्क्वायर है, ये किसका वैल्यू निकल रहा है, ये निकल गया डी सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पर डी सिग्मा स्क्वायर है। अब देखिए ये डी एस स्क्वायर को इधर डिवाइड कर देंगे तो डी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या ये इसी को एच स्क्वायर मान रहे थे, डी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर को देखिए, यहाँ डी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर को ही एच स्क्वायर माने हुए हैं, तो ये एच स्क्वायर जो है वो जो इसको माने हुए हैं ये एच स्क्वायर किसका फंक्शन है एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन, और ये कन्फॉर्मल मैपिंग ले रहे थे नॉट ओरिजिन, ओरिजिन पर नहीं ले रहे थे, तो क्या ये जीरो आ सकता है क्या ओरिजिन को छोड़ करके बाकी किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं आएगा, तो ओरिजिन तो हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि ओरिजिन पर कन्फॉर्मल नहीं है, तो इसीलिए एच का वैल्यू जीरो के बराबर भी नहीं होगा, एच नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और एच स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा एक्स वाई का फंक्शन। अब ये डिपेंड किस पर कर रहा है, डी सिग्मा स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, देखिए जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ये अलग पॉइंट लेंगे, अभी यहाँ पर ये पॉइंट ले रहे हैं तो उस समय ये रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो सपोज करते हैं कि टू थ्री है, ये पॉइंट टू थ्री है, तो उस समय डी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एस स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा इस एग्जाम्पल में 4 इंटू टू थ्री अगर ले रहे हैं तो 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आ जाएगा, ये 2 3 पर आया। अगर कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं मान लीजिए 5 2 ले लेते हैं तो 5 2 ले लेंगे तो उस समय इसका जो रेशियो आएगा डी सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर वो अलग आएगा, क्या आएगा 4, और यहाँ x की जगह 5 पुट करेंगे तो 25 प्लस वाई के जगह 2 पुट करेंगे तो 4, तो 25 प्लस 4 हो जाएगा 29, और 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 116 आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये डी सिग्मा स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर या रेशियो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा सिर्फ एक्स और वाई पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डी सिग्मा डी एस का क्या डायरेक्शन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड किस पर कर रहा है सिर्फ एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि कन्फॉर्मल मैपिंग है तो डी सिग्मा स्क्वायर और डी एस स्क्वायर का जो रेशियो आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन से, और वो डिपेंड जो करेगा वो एच एच जो है वो किसका फंक्शन है एक्स वाई का, तो इसका रेशियो को हम लोग एच स्क्वायर मान लिए और वो एक्स वाई का फंक्शन है और नॉट जीरो है, एच का वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग सिर्फ जो अभी मैं लिखा था उसको समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को लिखा हूँ, इस एग्जाम्पल का प्रूफ में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बताया हूँ कि डी सिग्मा स्क्वायर बाय डी एस स्क्वायर जो आ रहा है वो एक्स वाई का फंक्शन है और इस पर ये डिपेंड डायरेक्शन पर नहीं करता है बल्कि सिर्फ किस पर डिपेंड करता है एक्स और वाई वेरिएबल पर, एक्स वाई फंक्शन पर, एक्स और वाई दोनों जो वेरिएबल है उसी पर डिपेंड करता है और ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब चलिए आगे देखते हैं इसका प्रूफ को, तो आगे देखिए ये जो डी सिग्मा स्क्वायर है और डी एस स्क्वायर है दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, डी सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर ये आया हुआ है तो ये वैल्यू डी सिग्मा स्क्वायर की जगह पुट करते हैं, और डी एस स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर था टू में सॉरी वन में, तो डी एस स्क्वायर का वैल्यू ये पुट करते हैं तो क्या होगा देखिए, फ्रॉम फोर सॉरी फ्रॉम वन और फिर थ्री एंड फोर, वन थ्री और फोर को ले रहे हैं वी हैव, तो फोर ये है फिर थ्री ये है और वन ये है, ये सभी का यूज कर रहे हैं तो डी सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू था ई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एफ डी एक्स डी वाई प्लस जी डी वाई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय
फिर डी एस स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है, डी एस स्क्वायर का वैल्यू है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, और इधर क्या है राइट साइड में है एच स्क्वायर। अब ये उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एफ डी एक्स डी वाई प्लस जी डी वाई का होल स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से दोनों साइड सेम चीज़ है, सेम आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, दोनों इक्वल होगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स वाई डी का कोएफिशिएंट है टू एफ, और वहाँ पर डी एक्स वाई का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब टू एफ जीरो हो जाएगा, यहाँ डी एक्स वाई डी वाई यहाँ पर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, तो टू एफ का वैल्यू जीरो मतलब एफ जो है वो जीरो हो जाएगा, एंड जी इक्वल टू जी का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा समझिए, e भी h स्क्वायर आया, g भी h स्क्वायर आया, तो e इक्वल टू क्या हो गया e इक्वल टू g एंड f इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब जरा समझिए आगे, e का वैल्यू और g का वैल्यू हम लोग को पता है कहाँ से, यहाँ से e का वैल्यू हम लोग लिखे थे ना, और g का वैल्यू लिखे थे, f का भी वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख जाते हैं e का वैल्यू डेल u डिवाइडेड बाय डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल टू जी का वैल्यू, जी का वैल्यू है डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर और प्लस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये जो है वो भी है, और फिर एफ इक्वल टू जीरो, ये नंबर हम लोग डाल देते हैं, नंबर इसको फोर तक शायद कर चुके हैं, इसको कर देते हैं फाइव, और फिर एफ इक्वल टू जीरो, तो एफ का वैल्यू भी हम लोग को पता है, एफ का वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम लोग लिख जाते हैं डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वाई, और एफ का वैल्यू जीरो है तो ये जीरो, तो नंबर हम लोग इसको डाल देते हैं सिक्स। अब देखिए आगे क्या हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन फाइव लिखे हैं, वो इक्वेशन फाइव किससे लिखे हुए हैं, e का भी वैल्यू एच स्क्वायर था, g का भी वैल्यू एच स्क्वायर था, तो e इक्वल टू g इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया था, e और g दोनों इक्वल था, दोनों किसके बराबर था एच स्क्वायर, e का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए थे, g का वैल्यू पुट कर दिए थे, और ये किसके बराबर हो गया एच स्क्वायर के बराबर हो गया, इसको फाइव कर देते हैं, यहाँ एच स्क्वायर भी लिख दीजिए आगे जरूरत पड़ेगा। अब ये इक्वेशन कब ट्रू होगा, कब सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों कब सेम होगा जरा समझिएगा, ये दो नंबर के स्क्वायर का सम है, यहाँ भी दो नंबर के स्क्वायर का सम है, और दोनों का जो सम है वो एच स्क्वायर आएगा, तो एच स्क्वायर कब आएगा, अगर हम लोग डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स का एच कॉस अल्फा और डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स का एच साइन अल्फा अगर पुट कर दें, क्या इसका स्क्वायर का सम जो है वो एच स्क्वायर आ जाएगा, देखिए यहाँ एच कॉस अल्फा पुट कर देते हैं और यहाँ पर एच साइन अल्फा पुट कर देंगे, तो एच कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और एच साइन अल्फा का होल स्क्वायर जब ऐड करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो एच स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ एच स्क्वायर आ जाएगा, इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा, तो ये स्क्वायर का सम एच स्क्वायर तब आएगा जब ये हम लोग पुट कर दें, इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये, तो इस तरीके का अगर नंबर रखते हैं डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स का वैल्यू इस तरीके का नंबर, डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स का वैल्यू इस तरीके का नंबर, यहाँ एच तो फिक्स है जो भी एच यहाँ पर है, लेकिन अल्फा जो है वो अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है, तो दोनों के स्क्वायर का सम करने पर एच स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर भी एच स्क्वायर है, तो डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई को एच कॉस बीटा और डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वाई को एच साइन बीटा, यहाँ पर भी स्क्वायर करके सम करेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि द इक्वेशंस फोर आर सेटिस्फाइड इफ वी टेक, अगर हम लोग ये वैल्यू ले लेते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू लिया जा सकता है डेल यू बाय डेल एक्स का, डेल वी बाय डेल एक्स का, डेल यू बाय डेल वाई का, डेल वी बाय डेल वाई का, ये वैल्यू लिया जा सकता है, क्योंकि ये लेते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें रखे हुए एंगल अल्फा और इसमें रखे हुए एंगल बीटा रखे हुए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वैल्यू हम लोग सिक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग एबव वैल्यूज इन इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन सिक्स में हम लोग पुट कर देते हैं ये डेल यू बाय डेल एक्स का सभी का वैल्यू, तो डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है, देखिए एच कॉस अल्फा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स का वैल्यू है एच कॉस अल्फा और इंटू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई का वैल्यू है एच कॉस बीटा,
और फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स का वैल्यू है एच साइन अल्फा, यहाँ पर एच साइन अल्फा हो गया, और डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई का वैल्यू है एच साइन बीटा, तो यहाँ हो जाएगा एच साइन बीटा, और इधर है राइट साइड में जीरो, एच स्क्वायर से प्रत्येक में डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू जीरो। अब ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए इस कोसाइन का वैल्यू जीरो है, कोसाइन का वैल्यू जीरो कब होगा, जब एंगल जो है वो प्लस माइनस 90 डिग्री हो, प्लस 90 डिग्री अगर पुट करते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू भी जीरो होता है, कॉस माइनस 90 डिग्री का भी वैल्यू जीरो होता है, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो प्लस माइनस पाई बाई टू लेते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ है, या तो प्लस पाई बाई टू हो सकता है या माइनस पाई बाई टू हो सकता है। अगर हम लोग अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेते हैं, पहले नेगेटिव ले रहे हैं फिर बाद में हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, तो इस केस में यहाँ पर देखिए इम्प्लाइज बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा को अगर उधर ले जाते हैं, पाई बाई टू को इधर ले आते हैं, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू प्लस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर इफ़ के बाद यहाँ पर देन कर दीजिए। अब देखिए बीटा का वैल्यू निकल चुका है, तो ये बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, ये डेल वी बाई डेल वाई में भी और डेल यू बाई डेल वाई में भी पुट करते हैं। तो पहले देखिए डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई का वैल्यू क्या होगा, एच इंटू साइन बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री प्लस अल्फा, और यहाँ पर एच साइन 90 माइनस सॉरी साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो एच रहने देते हैं, और सॉरी एच कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है, एच कॉस अल्फा का वैल्यू देखिए, एच कॉस अल्फा का वैल्यू डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स है, तो एच कॉस अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स, तो डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई, एंड डेल वी डेल यहाँ पर एक और देखिए डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई है, इसको निकालते हैं, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई किसके इक्वल है, एच कॉस बीटा के इक्वल है, तो एच कॉस बीटा, और बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, बीटा का वैल्यू है पाई बाई टू प्लस अल्फा, तो पाई बाई टू प्लस अल्फा पुट कर रहे हैं। अब बताइए कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस एच साइन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस रहने देते हैं, एच साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, एच साइन अल्फा का वैल्यू आप यहाँ से देखिए, एच साइन अल्फा का वैल्यू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स है, तो डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या दिखा दिए, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इक्वल टू दिखा दिए, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई दिखा दिए, और डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई का वैल्यू कितना आ गया, माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स। क्या ये कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं therefore इक्वेशन 7 आर कोची रीमान इक्वेशन, ये इक्वेशन 7 हम लोग कर देते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन 7 आर कोची रीमान इक्वेशन शोविंग दैट एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। अब जब ये कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एफ जेड जो फंक्शन था वो क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया। लेकिन अभी एक और केस बचा हुआ है, कौन सा केस बचा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लिए थे, प्लस पाई बाई टू अगर लेते हैं तब क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। अब हम लोग एक और केस जो है, यहाँ पर प्लस माइनस पाई बाई टू था, जिसमें से माइनस पाई बाई टू ले चुके हैं, अब हम लोग प्लस पाई बाई टू लेते हैं, इफ़ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस पाई बाई टू, सिर्फ पाई बाई टू लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो उस समय अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू प्लस बीटा। अब देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे तो कहाँ पर पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर था जो मैं इरेज कर चुका हूँ, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई, ये सब वैल्यू था यहाँ पर, तो उसी में हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स का वैल्यू एच कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है पाई बाई टू प्लस बीटा है, तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन माइनस एच साइन बीटा हो जाएगा, और एच साइन बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई। फिर आगे देखिए ये वाला हम लोग डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स निकालते हैं, तो डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा, एच साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर पाई बाई टू प्लस बीटा, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है कॉस बीटा हो जाएगा, और एच कॉस बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, एच कॉस बीटा का वैल्यू क्या है, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वाई। अब यहाँ पर देखिए क्या कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो देयरफॉर डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इक्वल टू आ गया डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई,
और डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल टू आ गया, सॉरी यहाँ पर माइनस छूट गया है, माइनस होगा यहाँ पर, ये माइनस और एच साइन बीटा की जगह डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वाई था, तो ये माइनस में आ रहा है और डेल वी डिवाइडेड डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई का वैल्यू आ रहा है, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई का वैल्यू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स आ रहा है। तो ये कुछ रीमान इक्वेशन नहीं है, कुछ रीमान इक्वेशन तो ये था डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वाई, और डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये है कुची रीमान इक्वेशन। तो यहाँ पर ये कुची रीमान इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर भी के जगह माइनस भी पुट कर दिया जाए तब कुची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिस इक्वेशन रिड्यूस टू कुची रीमान इक्वेशन इफ वी टेक माइनस वी फोर वी, अगर हम लोग वी के जगह माइनस वी पुट कर दें तो देखिए माइनस वी पुट करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वी पुट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आ जाएगा। तो ये कुची रीमान इक्वेशन में कब कन्वर्ट होगा, जब वी के जगह हम लोग माइनस वी पुट करते हैं, दैट इज इफ वी टेक द इमेज फिगर ऑब्टेंड बाय द रिफ्लेक्शन इन द रियल एक्सिस ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। अब ये क्या लिखे हैं उसको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, तो भी के जगह माइनस भी अगर पुट किया जाए तब ये सेटिस्फाई होता है, और वैसे केस में यहाँ पर एक फिगर से समझिएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इरेज करूँगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर दो केस था, एक प्लस माइनस पाई बाय टू था, तो इसमें से माइनस पाई बाय टू लेने पर क्या हो गया, एनालिटिक हो गया, और प्लस बाय टू लेने पर एनालिटिक नहीं होगा, मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखा हूँ कि एनालिटिक नहीं होगा, ये आइसोगोनल होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो मैं अभी इसको एक फिगर से समझाऊंगा, एक एग्जांपल से समझाऊंगा जो भी लिखा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर जा देखिए हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो दो केस जो आया उसमें से एक प्लस पाई बाय टू आया, एक माइनस पाई बाय टू आया, तो माइनस पाई बाय टू में तो फंक्शन एनालिटिक हो गया, प्लस पाई बाय टू में एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन एनालिटिक तो आ रहा है, तो उस जो एनालिटिक जिसमें नहीं आ रहा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे उस केस को, यानी कि माइनस पाई बाय टू वाला केस को रखेंगे और प्लस पाई बाय टू वाला केस में हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे, क्यों रिजेक्ट करेंगे, उसमें एनालिटिक नहीं आएगा। लेकिन अगर कन्फॉर्मल मैपिंग मानते हैं तो एनालिटिक तो किसी केस में आ गया ना, तो यहाँ पर यही प्रूव करना था कि अगर फंक्शन कन्फॉर्मल है तो वो एनालिटिक होगा, एक केस में एनालिटिक आ रहा है, यहाँ पर दो केस पॉसिबल था तो दो केस में से कोई भी एक केस हम लोग ले सकते थे, तो जिस केस में एनालिटिक नहीं आ रहा उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो केस में एनालिटिक आ रहा है उसको रखेंगे, तो दो पॉसिबिलिटी था तो उसमें से एक एनालिटिक वाला पॉसिबिलिटी वाला हम लोग रखेंगे और जो एनालिटिक नहीं आ रहा है उसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन ये क्या चीज़ मैं लिखा हुआ, जरा इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए हम लोग अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लिया जाए कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, तो f ऑफ z को हम लोग u प्लस आई भी लिखते हैं ना, और z बार का मतलब क्या हो गया, x माइनस आई वाई, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो u इक्वल टू x आ रहा है, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू अगर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है। अब जरा समझिए यहाँ पर हम लोग एक z प्लेन लेते हैं जिसमें से x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा, इधर y डैश कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं यू वी प्लेन, ये सपोज कर लेते हैं कि u भी प्लेन है, ये u है और यहाँ पर भी एक्सिस है, इधर हो जाएगा भी डैश, यहाँ पर हम लोग भी डैश लिख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सपोज कर लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कर्व है, तो ये सपोज करते हैं कि इस तरीके का कर्व है ये, तो अगर x कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट 1 आएगा, तो इस कर्व पर अगर पॉइंट हम लोग 1 रखते हैं, ये 1 और 1 रखते हैं, तो अगर 1 रखा जाए तो यू वी प्लेन पर कौन सा पॉइंट आएगा, अगर ओरिजिन रखते हैं, इस पर एक ओरिजिन भी है, तो ओरिजिन रखते हैं तो अगर यहाँ पर ओरिजिन रखते हैं 0 रखते हैं तो उस समय यू और वी का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स के जगह 0 रखेंगे वाई के जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर ओरिजिन ही मिलेगा, यू भी 0 मिल जाएगा, वी भी 0 मिल जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ इस पॉइंट पर। 1 कहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा, अगर एक्स के जगह 1 पुट करें तो यू का वैल्यू हो जाएगा 1 और भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू हो जाएगा -1, तो ये 1 -1 हो जाएगा, 1 -1 कहाँ पर होगा, 1 -1 इधर पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1 -1, मतलब ये जो पॉइंट है वो ट्रांसफॉर्म होगा इस पॉइंट पर। अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं x के जगह 1 रखते हैं और y के जगह क्या होगा, अगर x के जगह अगर 2 रखते हैं तो y के जगह क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 2, 4 एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, सपोज करते हैं 2 और 4 है, तो 2, 4 रखेंगे उस समय यू वी प्लेन पर कौन सा
पॉइंट मिलेगा, ये कहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेगा। x के जगह 2 रखते हैं तो u का वैल्यू 2 और v का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। तो देखिए 2 माइनस 4 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सपोज कीजिए यहाँ पर है, ये हो गया 2 माइनस 4, यहाँ पर आ रहा है ये 1 माइनस 1। तो यहाँ इस तरीके का कर्व था वो जो है वो इस तरीके का कर्व आ जाएगा, इस तरीके का कर्व मिल रहा है यहाँ पर। तो ये कर्व जो है वो इस कर्व पर ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि अगर इस कर्व को हम लोग C1 मान लें तो ये C1 डैश हो गया, यहाँ पर C1 डैश हो गया। अगर एक कोई दूसरा कर्व यहाँ पर हम लोग इधर लेते हैं C2, तो ये y एक्सिस के साथ सटा हुआ है, ये y एक्सिस से दूर है C1, y एक्सिस के साथ ये सटा हुआ है, तो यहाँ पर ये इधर सटेगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में आएगा C2 डैश, ये C1 डैश हो गया, वो C2 डैश हो गया। C1 जो है सपोज कीजिए इस पर ट्रांसफॉर्म हुआ और C2 जो है वो सपोज करते हैं कि इस पर ट्रांसफॉर्म हुआ। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है C1 से C2 की तरफ इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, और यहाँ पर C1 डैश से C2 डैश की तरफ बनेंगे तो ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल बनेगा यानी कि ये माइनस अल्फा हो जाएगा। ये अगर अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होता है, एफ जेड इक्वल टू जेड बार जो है वो कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होता है, ये आइसोगोनल होता है। मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। डायरेक्शन देख रहे हैं, ये अल्फा पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया, माइनस अल्फा। अब देखिए अगर इस कर्व की बात करें तो ये कर्व इस कर्व में ट्रांसफॉर्म हुआ है, कहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ है, एक्स एक्सिस का एक रिफ्लेक्शन बन जाएगा, एक्स एक्सिस पर ये रिफ्लेक्शन बन जाएगा, इसी का ये इमेज आ रहा है। यू वी प्लेन पर कहाँ पर आ रहा है, इसी का इमेज आ रहा है, रियल एक्सिस का इमेज आ रहा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर भी के जगह माइनस भी पुट कर दिया जाए, देखिए यहाँ पर भी आपका इधर होगा और अगर माइनस भी ले लेते हैं तो वो इधर कर्व बन जाता है। तो अगर भी के जगह माइनस भी ले लेते हैं तो ये वही यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि इफ़ वी टेक द इमेज फिगर ऑप्टेंड बाय द रिफ्लेक्शन, तो उसमें क्या होगा कि भी इधर ले रहे हैं तो माइनस भी इधर बनेगा, यानी कि उसी का रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो रिफ्लेक्शन बन जाएगा इन द रियल एक्सिस ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, दस द इक्वेशन 8 करेस्पॉन्ड टू द आइसोगोनल। तो यहाँ जो आ रहा है वो आइसोगोनल को बता रहा है, आइसोगोनल बट नॉट कन्फॉर्मल, ये कन्फॉर्मल नहीं होगा, यहाँ आइसोगोनल होगा। सो वी रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ पर दो चीज़ था, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, एक माइनस पाई बाई टू था, एक प्लस पाई बाई टू था। तो प्लस पाई बाई टू में आइसोगोनल हो गया, इसीलिए उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। हेंस इट इज सोन दैट इफ द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इज कन्फॉर्मल देन एफ जेड इज एनालिटिक। तो हम लोग पहले ही दिखा चुके हैं, यहाँ पर इसके पहले वाला में ही दिखा दिए थे कि अगर ये फंक्शन कन्फॉर्मल है तो वो एनालिटिक होगा। इसमें तो खैर एनालिटिक नहीं आया, इसको हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, जिसमें एनालिटिक आया उसको हम लोग रखे हुए हैं। तो ये हुआ नेसेसरी कंडीशन। इसी तरीके से सफिशियंट कंडीशन है, लेकिन सफिशियंट कंडीशन जो है वो हमारे ऐप्स में जो है वहाँ पर अवेलेबल है, पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सीरीज है, तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसी तरीके का वीडियो वहाँ पर पूरा है, तो आप वहाँ पर बाय भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।